बोल इंडिया, सच की आवाज, अब सच देखेगा इंडिया। हम आज ग्रामीण तहसील कार्यालय के बाहर खड़े हैं। आज सरपंच और सदस्य के लिए यहाँ पे फॉर्म भरे जा रहे हैं। आज का लास्ट दिन है और हमारे साथ कुछ सदस्य हैं, उनसे जानेंगे इस बारे में। आज लास्ट दिन है और आपका फॉर्म अभी फिलअप हुआ ही नहीं हुआ? नहीं हुआ सर, होने का है अभी। आप सदस्य के लिए या सदस्य के लिए फॉर्म भरे है? मैं सदस्य के लिए फॉर्म भरा हूँ। मेरी मम्मी उम्मीदवार है, उन्होंने सदस्य के लिए फॉर्म डाला हुआ है। आप जिस क्षेत्र से आते हो ग्रामीण के? हाँ जी, बोकारा। हाँ जी, तो बोकारा में किस तरीके का विकास देखा जा सकता है? बोकारा में सर जो मूलभूत सुविधा है, अच्छी सड़क, अच्छी नाली योजना होनी चाहिए, स्ट्रीट्स होनी चाहिए। रात को 10:30-11 के बाद जो लोग थोड़ा सा हिचकिचाते हैं बाहर वॉक के लिए, वो उनको औरतों को सुरक्षा मिलनी चाहिए। और मेरे हिसाब से ना कुछ मूलभूत सुविधा, जो बारिश में लोगों को तकलीफ होती है चलने के लिए, गड्ढे कमर तक पानी होता है, वो जैसे मिट सकती है, लेकिन अभी तक वो नहीं हो पाया है। कई ऐसा देखा गया है, कई केंद्र से कई ने ग्रामीणों के लिए रोजगार के लिए काफ़ी योजना आती है, पर वो सही लोगों तक नहीं पहुंच पाती है, तो क्या इससे बोलना चाहूँगा? मेरा यही कहना है कि जो सदस्य जाते हैं ग्राम पंचायत में चुनाव जीत के, उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट के तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट के तरफ से बहुत सारी योजना आती है, रोजगार योजना आती है, रोजगार हमी योजना आती है, अभी बीच में जननी योजना उन्होंने चालू किया, लक्ष्मी योजना का अभी जो शुभारंभ हुआ है। लेकिन आप देखोगे तो हमारे क्षेत्र में आप आओगे तो किसी के पास उस योजना के बारे में जानकारी तक नहीं पहुँच पाती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें अगर सदस्य नहीं कर पाते, सरपंच नहीं कर पाते, तो इस चीज़ों को फिर कौन देखेगा? तो इसीलिए नागपुर जिस तरीके से डेवलप हुआ है, वैसे आसपास का जो ग्रामीण क्षेत्र है नागपुर का, जैसा अब जिसके लिए फॉर्म भर, अगर एक सरपंच अच्छा चुन के आपके तौर पे, सदस्य के तौर पे आप चुन के आते, तो अपने अपने गांव के लिए क्या करना चाहोगे? हम वही जो मूलभूत सुविधा, जो जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो योजना आती है, तो उन योजनाओं का लाभ जो हमारे 7 लोग रहते हैं उनको योजना का लाभ मिले, जो मूलभूत सुविधा मिल नहीं पाती वो उनको सुविधा मिल पाए, उनको छोटी छोटी चीज़ों के लिए ग्राम पंचायत या इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। हम उनके लिए खड़े हो रहे हैं, वो हमको चुनाव जितवा के दे रहे हैं, हम खुद उनके घर जाएंगे और देखेंगे कि उनको कोई समस्या तो नहीं है, और उनका जल्दी से जल्दी निवारण करके क्षेत्रों को बढ़ावा, विकास करने का कोशिश करेंगे। आज ग्राम पंचायत के इलेक्शन के आखिरी दिन है और आप इलेक्शन के फॉर्म के लिए यहाँ पे आए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? हम हमारे क्षेत्र भोकारा, आजय पिंटू, जो कि हिंगला विधानसभा के अंतर्गत आता है, तो आज हम लोगों ने एक अपना पैनल बना के वार्ड नंबर 5 और वार्ड नंबर 6 से एक पैनल बनाया है, और हम लोग चाहते हैं कि हमारे इधर जो मूलभूत समस्या है, जैसा पानी, सड़क, बिजली नाली, और काफ़ी हद तक हमारे ग्राम पंचायत को हम परिवर्तन देना चाहते हैं, और नाली वाली के काफ़ी समस्या है, गटर लाइन, इसका लिए हम लोग परिवर्तन चाहते हैं, इसलिए हम लोग शहरी विभाग में अगर डेवलपमेंट हुआ है, वैसे ग्रामीण विकास में काफ़ी ये डेवलपमेंट नहीं देखा जाता है। हाँ, तो अगर ये सरपंच के तौर पे आप चुन के आते हैं, तो मेंबर के तौर पे, सदस्य तौर पे अगर जो भी चुन के आते हैं, हाँ, तो विकास के ऊपर में नाली हो गया, रोड हो गया, पानी का समस्या है। आपको क्षेत्र से? बुखारा वार्ड नंबर 5-6, इन वार्डों से हम लोग मेंबर उतारे हैं अपने। ग्रामीण क्षेत्र में वैसे तो नाली, पानी और सड़क की काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है वहाँ की जनता को, तो आप सबसे पहले हमारे क्षेत्र में कुछ मूलभूत सुविधा जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है। एग्जाम्पल जैसे हो गया नाली, सड़क, ये तो कॉमन समस्या है, लेकिन कुछ योजना जो गवर्नमेंट की तरफ से इशू होती है, नहीं पहुंच पाती है, घरकुल योजना हो गई या जननी योजना हो गई, बहुत सारी योजना होती है जिसके ऊपर ग्राम पंचायत सदस्यों ने भर देना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, वो नहीं देते, जिसके वजह से हमारा जो क्षेत्र है बोकारा सर्कल, वो पिछड़ता हुआ जा रहा है। जबकि आप ऐसा देखोगे तो नागपुर शहर से लग के बोकारा शहर है, जिसका डेवलपमेंट बहुत हद तक अभी तक हो जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है। इसके लिए हम जितने भी आज लोग यहाँ पे आए हैं सदस्यता फॉर्म भरने के लिए, हम चाह रहे हैं कि बोकारा सर्कल का परिवर्तन हो और हमारा गांव, जो हमारा जो जहाँ पे हम रहते हैं, वो एक आदर्श गांव बन के आ गया है।